मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, ये किस तरह की जगह है? अच्छा तो क्या तुम तैयार हो? ये सभी का अंत है, तुम्हारा भी। आप इन दोनों को आखिरी बार देखने वाले हो। सभी को हाय। हम अपने पेरेंट्स और मेरे मूर्ख भाई के साथ हैं। ये देखो मेरा बेवकूफ भाई। मुझे अकेला छोड़ दे। हम छुट्टी पर जा रहे हैं। क्या तुम रूल तोड़ रहे हो? बचाओ, बचाओ। हेलो, तुम कर रहे हो? तुम्हारी आंखों क्या हो गया? मेरी आंखें तो एकदम नॉर्मल हैं, लेकिन तुम्हें जुर्माना लगेगा। अरे अब क्या करें, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। शांत हो जाओ। क्या तुम्हें दिखता नहीं, पीछे बच्चे बैठे हैं। ओ अच्छा, तो जाओ, गुड लक। आपको पक्का इसकी जरूरत होगी। आखिरकार फैमिली में हम यहाँ छुट्टी पर आई गए। आपने मालदीव का प्रॉमिस किया था, आप अभी यहाँ कहाँ लाए हो? मैं ब्लॉग कैसे करूँगी? देखो बेटा, हम करोड़पति तो नहीं है, इतना ही पैसा था बस। ओ, तुम भी? क्या तुम हमें फिर से किसी बकवास होटल में ले आए? ये क्या है? यार दरवाजा अभी आपके लिए खुलता है और तुम कहती हो कि होटल बकवास है। चलो अभी। ये क्या है? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। खैर, इस बार वे किसे लाएंगे? बचाओ, कोई बचाओ। उप्स, चलो काम पर चले। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ ओल्ड गोट होटल में। यहाँ राक्षस है। किस तरह की जगह है ये? ये एक होटल है और मैं यहाँ का बावर्ची। मैं घर जाना चाहता हूँ, हम पर मकड़ियाँ गिर गई थी। चुप रहे, चुप रहेगा नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही शानदार होटल है। देख रही हूँ अब तुम्हारे बच्चे रो नहीं रहे हैं। तुम भी यहाँ काम करती हो? मैंने सोचा वो न्यू बॉर्न थे। चलिए सेटल हो जाइए, बेटी और मैं आपको कमरे दिखाएंगे। मुझे घर जाना है। बच्चों चलो अब थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। मुझे नहीं पता, मुझे ये जगह पसंद है। तुम्हें पता है तुम किसकी तरह दिखते हो? इसकी तरह। टीना, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सभी का अंत है और तुम्हारा भी। पापी गुड़िया। बस बहुत हुआ, मुझे जगह पसंद नहीं। ओ बच्चों, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वहाँ एक पापी गुड़िया है, उसने हमें डराया। तुम कितने फनी हो। क्या कहा पापी गुड़िया, दिखाओ मुझे। कहाँ है? वहाँ बस छोटी सी गुड़िया बैठी है। ना मुमकिन, यहाँ पे एक असली पापी गुड़िया थी, यकीन कीजिए। बातें बनाना बंद करो, अब चलो मेरे साथ। दोस्तों असल में इस होटल में कुछ तो डरावना हो रहा है, आप लोग चैनल मत बदलना, रूम टूर थोड़ी देर में होगा। ये रहा आपका कमरा। अगर यहाँ कोई राक्षस हम पर कूद पड़ा तो? चुप हो जाइए, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। अच्छा आप आराम करो। टीना अब उठ जाओ,
लगता है कि आराम करना होगा। ओह, मुझे तो सब्सक्राइबर्स को रूम टूर देना है। हाय सभी लोग, मैंने रूम टूर देने का वादा किया था और मैं उसे पूरा करूंगी। बहुत हुआ। मैं यहाँ हफ्ते रहने वाली हूँ। यहाँ एक बिस्तर है, ये एक अलमारी है। तो चलो इसे खोला जाए। ये गुड़िया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। आहा, ओ ये दरवाजा अपने आप नहीं खुलता क्या? ओ वाह, यह बिस्तर है। तुम बिस्तर पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? बेशक, घर में बिस्तर पर स्प्रिंग निकल रहे हैं। यूहू, ये। अजीब है। क्या ये? देखो मुझे क्या मिला? अब ये देखो क्या है? हाथ, ये किसका हाथ है? क्या खून है? नहीं, ये जैम है। असली वाला हाथ नहीं है, रबर का है यार। मुझे ऐसे किस लिए डराते हो? फिर से हेलो, मैं आपके लिए तौलिया लाई हूँ। वाह भाई, शुक्रिया। तुम ये बताओ, तुम इतना कड़क माल जवान होटल में काम कर रही हो? हाँ, ये पार्ट टाइम काम है। समझ गया। अरे तुम थोड़ी चाय लाओ। मैं उसके लिए चाय बनाती हूँ और वो बाथरूम से बाहर नहीं जाएगी। आप प्लीज, आप इन तौलियों का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, हमें तौलिये चुराने हैं। हाँ, मैं जल्दी से नहा लूंगी और ब्लॉग को बनाना जारी रखूंगी। अरे वाह, 27 सब्सक्राइबर, बहुत बढ़िया। हेलो, मुझे याद किया, अब मैं तुम्हारी नाक काटूंगी। तुम फिर से तुम? भाग नहीं पाओगी, काम तमाम। कोई बचाओ, बचाओ कोई। क्या तुम्हें चिप्स चाहिए? वहाँ एक पापी गुड़िया है, वो मेरा पीछा कर रही है। डर लग रहा है। हाँ, मैं दरवाजा खोलूंगी और तुम इसे तोड़ देना। पर मैं ही क्यों? ओह रोन दूर, ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये होटल आखिर कैसा है? क्या तुमने बंद की? मुझे लगा तुमने। टाइलर! हाँ? कौन गले लग रहा है? मैं तो नहीं। तुम्हें गले लगना पसंद है मेरी तरह? टाइलर, मुझे बचाओ! वाह, ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें पीट दूंगी। बच्चे कहाँ हैं? सभी को हाय, मैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही हूँ। टीना, वीडियो बंद करो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। अबे जल्दी कर बे, छुट्टी बर्बाद मत कर मेरी। वाह दोस्तों, क्या आपने ये हॉरर देखा? मम्मी पापा, ये तो डॉल्स का कब्रिस्तान लगता है। ये कितना भयानक है, बहुत डरावना है। काय को चिपक रही हूँ, हट यहाँ से। बहुत डरावना है, मुझे घर जाना है। दोस्तों, अगर हमें इस होटल में कुछ याद हो गया तो आप लोग याद रखना, मैं आप सभी को प्यार करती हूँ। ये मेरे पीछे कौन है? पागल, पागल! अरे भागो रे! अरे मैं यहाँ बोर नहीं रह सकती। पापा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे बताओ क्या चाहिए? हाँ, एक रेल टिकट और एक नॉर्मल फैमिली। क्या मुझे नींबू पानी मिलेगा और एक सैंडविच भी? अच्छा, अभी बना कर लाता हूँ। क्या तुम खाना बना रहे हो? और नहीं तो क्या?
भयानक, 5 किलोमीटर के दायरे में नॉर्मल लोग भी नहीं है। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रही हो? बस टाइलर, 1 हफ्ते बाद मिलूंगी। लेकिन नींबू पानी का क्या? मैं सीधा डिजर्ट लूंगी। हाय हाय मेरी जान, तेरी तो जवानी फूट रही है। हे भगवान, सभी को हेलो। जरा इस हैंडसम को तो देखो, आपको पसंद है तो लाइक करो। नींबू पानी का क्या? ये ले तेरा नींबू पानी। तुम क्या कर रहे हो? सब कोई यहाँ आओ जल्दी से, इमरजेंसी मीटिंग। हम आ गए। चर्चा शुरू करो, मेहमानों को कौन और किस टाइम डील करेगा। पहले कौन? चलो मैं पहले करता हूँ, ये रहे मेरे पैसे। हाँ, अरे यार इसमें 3 AM लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? क्योंकि पिछली बार भी तो यही टाइम था। बेटी तुम दूर क्यों बैठी हो, तुम कुछ नहीं कहना चाहती? मैं इस गरीब फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती, और वो भी $100 के लिए। ये $200 है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे हर चीज की रखवाली करनी है, पर मुझे सब कुछ चिढ़ाना बहुत पसंद है। चलो शुरू करें। हद है, क्या डरावना होटल है। कोई नहीं, बस 4 दिन ही तो बचे हैं। सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं था। नहीं मैं डरा नहीं, आओ बैठ जाओ यहाँ पे। वैसे तुम औरों की तरह नहीं दिखती। ओ, मैं आंटी को होटल में सफाई करने में मदद कर रही हूँ। मेरा नाम कैसी है? हाँ मैं टाइलर हूँ, और तुम्हारे लिए जाने मन मैं बस टाइलर हूँ। और इसके अलावा मैं करोड़पति हूँ। मैं अमीर तब हुआ जब मैं। टाइलर बेटा, क्या तुमने अपनी डायरिया की दवाई ली? अरे मम्मी चले जाइए, कितना शर्मनाक है ये। टाइलर मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, शायद आप मेरे बचपन की पार्टी वाली फोटो ला सकते हैं, है ना? तो जाइए ढूंढिए और लेके आइए। शायद हम टहलने जा सकते हैं। हे भगवान, शुक्रिया, आपका शुक्रिया भगवान, अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है। काले हाथ, मुझे चुम्मा दे। कहाँ गए? तुम एक शानदार किसर हो। हाँ, वो तो सही कहा। ये तुम क्या कर रही हो? असल में मैं चाहती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स मेरे क्रश को देखें। हटाओ उसको। टीना वहाँ कंकाल है। पीछे हटो, देखती नहीं हो कि मैं बिजी हूँ। यहाँ एक और राक्षस है और तुम चुम्मा चाटी कर रही हो। जाओ बेवकूफ। नेट कहाँ है? बेवकूफ, ये सब तुम्हारी गलती है। भयानक टूर, ये बकवास किसने सोची थी? मदद करो। तुम मदद बहुत करो। बड़े बेवकूफ हो। देखियो तू, बाद में मेरे को थैंक यू बोलेगी। पानी पानी, क्या कह रही है? पानी सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैं टॉयलेट देखने जा रहा हूँ, ठीक है? चले जाओ, इतना अच्छा मौसम है, हमें बीच पर जाना चाहिए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों पगला गई है क्या? कौन है यहाँ पे? Ha 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 ha
हमें बचाओ, वो हमें मारना चाहता है। ओ हाँ, बेशक। वो हम पर हमला किया। सुनो, मैं समझती हूँ तुम ऊब गए हो, लेकिन तुम इस तरह की बकवास कैसे कर सकते हो? वो फिर से। हाँ, तुमने देखा, इस बार हमें पागल मेहमान मिले हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैडम उसका तो माल पानी लगेगा। पकड़ो, ये तुम्हारा प्राइज है। अच्छा तो तेल लगा के चालू करें? क्या हम यहाँ अकेले रहेंगे? वैसे वो तो नहीं कह सकता। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। किसी मेरे पास आ, मैं तुम्हें किस करूंगा। तुम पागल हो। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेट मुझे यहाँ खींच लाया। और मुझे कैसी लाई? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मरने को तैयार हो जा। दोस्तों, हम शायद मरने वाले हैं। यहाँ कुछ पागल लोग हैं। कैमरा जल्दी इधर दो। आप इन दोनों को आखिरी बार देख रहे हो। गुड बाय। क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई होटल नहीं है, ये एक डरावना घर है। अब वक्त आ गया है कि तुम लोग अपने जिंदगी को अलविदा कह दो और मौत की तरफ बढ़ जाओ। बेटा लोग आ जाओ। मुझे भूख लगी है, शायद मैं इस उंगली को खाऊंगा। ये ले साले खरगोश कहेंगे। ये ले बेवकूफ। मुझे वापस घर जाना है। भागो। मुझे यार अभी होटल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, अजीब ही है, तुम तो हमारी लाइफ बर्बाद करके खुश हो। बस कहा, शांत हो जाओ, बिस्तर में बैठो। उम्मीद है कम से कम बच्चे मजे कर रहे होंगे। मैंने अपने पिछवाड़े का जोर लगा दिया। ये मेरी गलती नहीं कि हम सिर्फ इस ओल्ड कोर्ट होटल को अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। शायद सब हमारे दिमाग में है। चाकू! तेरी ये कैसे हो गया यार? ये सब तुम्हारी वजह से है। बस अब बाहर निकलना हो गया। भागो! अब रुक भी जाओ, मेरी तलवार जो है ना, तुम्हारे खून की भूखी है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये भयानक है, हमारी लाइफ खतरे में है। बिल्कुल सही ही तो है। आपका शुक्रिया पापा। देखो, शाम हो चुकी है, और भी बुरा हो सकता है। सब कार में बैठो। उसने मीट पकड़ रखा है, खून भी। मैं वो जाना बंद करो, यहाँ से निकलो। चलो पापा। केचप के साथ मास्क किसे चाहिए? मैं इसे शेफ के पास ले जाऊं। तो ये खून नहीं है? तुम सब कहाँ जा रहे हो? चलो ना, साथ में मास्क खाते हैं। हम यहाँ से कब जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ, बस शांत रहो सब लोग। तुम तो चुप ही रहो, तुमने पहले भी हमारी सारी छुट्टियाँ बर्बाद कर दी हैं। बच्चों, थैंक यू बोलो अपने पापा को। कार में चलो सब लोग, चलो। बैठो, जल्दी बैठो। दोस्तों, हम ओल्ड गोट होटल को छोड़ रहे हैं। यहाँ अजीब चीजें हो रही है, यहाँ राक्षस है। अरे अपना फोन फेंक दे मेरी माँ। चलो चलो चलते। ये कौन खड़ा है सामने? चलो चलो जल्दी करो। गाड़ी नहीं चलो, मर गया। बजरंग बली का गाना गाओ। रोमन चली से बोलो। पापा माफ करना, लेकिन आप मूर्ख हो।
हमें क्या करना चाहिए? हम आज रात कहाँ रुके? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन हम सिर्फ होटल में सेफ हैं। चलो अंदर ही घुसते हैं। हाँ, पर कब तक ये काफी भयानक है। अरे टीना, पहले तेरे को लूंगा, आजा। हे भगवान, अब हम क्या करें? तो अब हम पक्का आज यही रुकने वाले हैं? तुम चालाक नहीं हो तो इस बार हम क्या करें? हमारी मौत पक्की है। मेरे को पता है इसका, भाग चलो। क्या बात है, इस बार कुछ नया करने को कहा। कितना भयानक, यहाँ से अच्छा तो हम अपने गरीब घर पर रात गुजार लें। यार मेरे को माफ कर दो, मैं बढ़िया करना चाहता था कुछ, हमारे लिए गोल्ड और छुट्टियाँ खरीदी। और अब हम क्या करें, हमारे पीछे किलर्स भाग रहे हैं। मेरे को पता है, हम रात भर पहरा देंगे, हम साथ में रहेंगे, सुबह तक का यही एकमात्र तरीका है। पापा, आपके पास कांटा क्यों है? मैं इससे अपना बचाव करूंगा। मैं आज रात अपनी आगे बंदी नहीं करूंगा और पता लगाऊंगा क्या हो रहा है। ये लोग साले जाते क्यों नहीं? ऐसे तो हम लोग शर्त हार जाएंगे। क्या, मैंने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। चिंता मत करो, शर्त अगली रात तक जारी रहेगी। चलो उन्हें जगाते हैं, दोपहर का एक बज चुका है। अबे ओ घोचू, सर उठिए। खड़े रहो, जाओ वही खड़े रहना। सभी लोग जल्दी उठ जाओ, दुश्मन पता चल गया कौन है। क्या तुम में से कोई नॉर्मल है? उन्होंने लगभग हमें मार ही डाला था। ये कुछ भयानक चल रहा है, ये हम सभी का अंत हो सकता है। हमारे लिए नहीं, लेकिन आपके लिए पक्का। ठीक है, फैमिली मीटिंग के लिए कटे हो। चलो भाग चलते। रोके रोके, खेतों से, चलो जंगल से भागते हैं, हम ऐसे करेंगे। कितना भयानक, हम अपनी चीजें भूल गए हैं। बैग पे कहाँ पे है? वहाँ बिस्तर के नीचे। हाँ दोस्तों, मैं इस हॉरर से किसी तरह बच गई। हम शाम को नहीं निकल सके। आओ चले, टायलर चीजें ले रहा है। बैकपैक यहाँ से दूर लग रहा है। टायलर परेशान मत करो, जोक्स का क्या? दोस्तों वो बस चिढ़ा रहा है। बहनों से मुलाकात नहीं हुई। तुम फिर से नहीं। अरे दोस्तों देखिए, पापी गुड़िया। तुम सब मरने वाले हो, बेवकूफ बच्चों। टीना वीडियो बंद करो, हम इससे नहीं बच सकते। तुम जिंदा नहीं बचोगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो, हम यहाँ रह नहीं सकते, जल्दी भागो। क्या हो रहा है? लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं। हमारे दिमाग तुमसे भूले नहीं है, तुम्हारे पास तो कभी था ही नहीं। नहीं, कुछ बहुत जरूरी। अरे टीना हम जा रहे हैं, चलो। रुको रुको रुको, पापा मम्मी कहाँ पे है? हाँ, माँ खो गई है, कहाँ गई वो? अरे हमने से खो दिया बस, अब ज्यादा बुद्धि मत लड़ाओ यार। पापा। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो उसे ढूंढते, आ जाओ। मुझे बचाओ, बचाओ। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, मेरी माँ खो गई थी और हमने उनकी चीखें सुनी है। उन्हें कुछ हुआ होगा तो नहीं? आराम से चलाओ आंटी जी। मुझे जाने दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? मैं बोर हो चुका था, सोचा कुछ मजे कर लिए जाए। अपने हाथ ऊपर करो, हिलने को मत करियो। क्रिस, क्या तुम मुझे बचाने आए? अरे वाह, खेल का एक और खिलाड़ी आ गया यहाँ पे। मेरी पत्नी से दूर रहियो पागल। मांगो एलिस, मांगो। अबे तेरी तो। रुक सारे, तुम दोनों कहाँ से जाओगे? एलिस भाग ले। एलिस मदद करो, कुछ करो। मैं गिर गया, चलो निकलो मैं। हे सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे नहीं पता। क्या तुमने पहले कभी जकूजी देखा है? मेरे पास है। और क्या तुमने लिमोजिन के बारे में सुना है? टायलर, तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो? माँ पापा गायब है। देख, शायद मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, तो निकल यहाँ से। शायद वो भी राक्षस है। ओ, ये तो पापा थे। और वो माँ है। इसको क्या हो गया? देखते हैं ये शर्त कौन जीता है। चूहे या कॉकरोच से डर गए होंगे, नहीं तो चलो देख के आते।
पकड़ लिया। मम्मी पापा देखो दोस्तों, उन्होंने मेरे क्रश को पीटा, लेकिन पापा क्यों? ये नेट हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। आपने हमारे हेल्पर को हथकड़ी क्यों लगाई? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वैसे पुलिस पहले ही यहाँ पर है। कोई समझा सकता है कि क्या हो रहा है? ओहो, क्या अभी तक पता नहीं लगा? नहीं। हम जानते थे तुम एक फेमस ब्लॉगर हो और बस हम इस तरह से अपने होटल का ऐड करना चाह रहे थे। और सभी पागल सिर्फ एक्टर्स थे, कुल्हाड़ी और चाकू बच्चों के खिलौने थे। तो क्या ये सब झूठ है? मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, अभी। पागलों का होटल स्पेशली हम ही क्यों? टीना ने एक ब्लॉग भी बनाया था और मुझे लगता है कि उससे हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ये काफी पॉपुलर है। क्या मिलियन? उसके बस 30 सब्सक्राइबर्स हैं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए ये 31 है। क्या? ये तो गलती से मिस्टेक हो गई। हमें लगा कि जो आ रही है वो टीना की पॉपुलर दोस्त है। और तुरंत ये पागल लोग आ गए और मुझे लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से निकलते हैं अब। हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? मैं अब एक साल तक कहीं छुट्टी पर नहीं जाना चाहूंगी। आपका शुक्रिया पापा जी। अरे डंजनिया कर रहे हो, हमें तो बस फंसाया गया था। लगता है मैं अपना ब्लॉग छोड़ दूंगी, वैसे भी इसे कोई नहीं देखता है। अरे बाप रे, ये तो टीना है, आप मिल गई फाइनली। टीना क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? प्लीज। तुम कौन हो? आपका तो फैन हो गया मैं, आपका वीडियो कितना डरावना था, आप वायरल हो गई है। लेकिन इस पर बहुत कम व्यूज है, केवल 2 मिलियन। अरे वाह, ये क्या है, कैसे हुआ? रुको, क्या ये मजाक हो रहा है? मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं पॉपुलर हूँ। टीना, टीना, आप तो बहुत ही ऑसम हो। और तुमने कहा था कि मैं छुट्टी बर्बाद कर दी। पापा बेस्ट हो, आपका शुक्रिया, मैं अब एक स्टार हूँ। हे भगवान। ओए बहना, मैं भी तो तेरी वीडियो में था, क्या तू आधे आधे करेगी पैसे? आओ भूल जाओ, चलो यहाँ से निकलते हैं, पार्टी करते हैं। तो आज हम चैलेंज करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं चाटो काटो या छोड़ दो। दोस्तों हमारे सामने कुछ अजीब सी चीजें होंगी, वो कुछ भी हो सकती है, खाने लायक या ना खाने लायक, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होगा काटने का, दूसरा होगा चाटने का और तीसरा ऑप्शन होगा छोड़ देने का। ये तीसरा ऑप्शन मेरा फेवरेट है ना। तो चलिए अब गेम शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहली चीज है वो है कैक्टस का ये छोटा सा क्यूट सा पौधा। तो क्या किया जाए, चाटे काटे या छोड़ दे? पेपर में क्या है? मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ये क्या है? मुझे चाटना पड़ेगा। मैं तुम दोनों से बहुत लकी हूँ। इससे ज्यादा किया तो पिछवाड़े से कांटे निकलेंगे। स्मार्ट मूव। चलो खाओ इसको। वैसे मैं इसे काट लूंगी। तो जो मेरा ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं पूरे सम्मान के साथ इसे छोड़ना चाहूंगा। इसे जुर्माना कहते हैं। कर्मों का फल है जो तुझे मिल रहा है। जुर्माना है। लगता है इसे सम्मान पसंद नहीं आया, मैं इसे शांति से वहाँ रख देता हूँ, बाल बाल बचा मैं। अच्छा हमारी अगली डिश काफी ज्यादा आसान है जो कि है गार्लिक पिज्जा। क्या लहसुन? तो ठीक है, हम लोग अपने अपने पेपर कार्ड दिखाते हैं। हाँ ये चाटना है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, मैं सबसे पहले उसे चाटूंगा, मैं उसे बाजू में रख दूंगा और जैसे ही गेम खत्म होगा मैं सारे पिज्जा से वो लहसुन हटाकर मैं खा जाऊंगा अच्छे से पेट भर के। मजा आएगा इसमें। मुझे क्या मिला है? ओ, मैं इसे इसका मतलब मुझे काटना पड़ेगा। लहसुन को ना, पिज्जा को नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ओ भाई मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, मैं इसे चट कर जाऊंगा अब। ये मैंने उसे चाट लिया, अब मैं उसे संभाल कर रख देता हूँ क्योंकि बाद में इसे मैं खाऊंगा। काफी बढ़िया है। तो यार मैं तो जो मिले खा जाता हूँ। भाई तू ये गलत कर रहा है ना, मैंने लहसुन खा लिया लेकिन इसने नहीं खाया है ना, तो मैं इसे अपने प्यारे हाथ से खिलाऊंगा। मैं खुद भी कर सकता हूँ। भाई ये मुंह में जाना चाहिए बस, मेरे हाथ से या तेरे हाथ से, कुछ मत सोच, दवाई समझ के खा ले बस। ओ क्या बात है यार, खा लिया मेरे शेर, वाह।
ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जानवरों का फेवरेट खाना है, पेट फूड है, तो फिर किसके पास? मुझे लग रहा है मेरे पास इग्नोर वाला ऑप्शन है, मतलब छोड़ देने वाला। ओए एक्सचेंज कर ले क्या? इसे खोलो। ओ चाटना। मैं सच में पेट फूड ट्राई करना चाहता था। देखो तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, तुम एक्सचेंज कर सकते हो मेरे साथ। वो मतलब नहीं था यार, मैं कुछ और कह रहा था। ओ ये तो काफी टेस्टी लग रहा है। इसे देख नहीं पा रहा काटू का कैसे। ओवर टॉप टेस्टी है। अबे प्लेट को तो छोड़ दे यार। नहीं ठीक है गाइस, ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी खा सकता हूँ, छिपकली की टांग, सांप की पूंछ, तो अदरक क्या चीज है, कितना घिनौना दिख रहा है यार। ये तो टेस्टी है। अच्छा सा पूरा खा ले। बहुत टेस्टी है। वैसे तो अदरक चाय में डाली जाती है, लेकिन आज मैंने सारी अदरक पेट में डाल ली है। अगला खाना क्या है भाई? हमें बताना है कि इनके अंदर आखिर कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए। जो भी है कमाल है। लगता है इस बार किस्मत अच्छी है ना? हाँ मछली वाली मिठाई मेरा है, इग्नोर छोड़ दो। इस बार समय गया। कैक्टस का कम था, अब ये मिला है खाने के लिए। मैं कामयाब रही हूँ। और मुझे वही चाटना। बस इसीलिए तो जलता हूँ मैं तुमसे, मेरे सीने की आग तुम क्या जानो। काफी टेस्टी लग रहा है, लेकिन न्यूटेला ईमानदारी से ही बुरा नहीं है, क्या और मिलेगा? ये तो काफी बढ़िया है, वेरी टेस्टी। हाँ तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? पर्सनली मैंने न्यूटेला के साथ सुशी का मजा लिया। देखो मैंने कैक्टस का सम्मान किया और उसने भी मेरा सम्मान किया मेरे पीछे गिर। हाँ सच है। वैसे वो गार्लिक वाला पिज्जा भी काफी बढ़िया लगा मेरे को। सही बात है, चलो ठीक ठाक ही था। समय किसी का इंतजार नहीं करता, आपका मनोरंजन करने के लिए हमें नए वीडियो की शूटिंग करनी होगी, और इस बीच सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी जरूर लगना और घंटी दबाएं, कमेंट छोड़ें। और हम ब्लूपर्स पर चलते हैं। वैसे मेरा नाम कैसी है? बिल्कुल मुझे सुन नहीं सकता मैं। मैंने पकड़ लिया।